एसी बंद है, जैसे आप जाते हैं कोई आपको पार्टी बोल रहा है या फिर कोई कस्टमर आपको बता रहा है कि एसी पूरा पूरा बंद है, 2 साल से बंद है, 1 साल से बंद है, कितना दिन से बंद है ये चीज़ पता नहीं, या फिर कस्टमर आपको ये बता रहा है कि बंद है पूरा एसी और उसको पूरा चेकअप करके उसको चालू करिए, तो आप शुरुआती में क्या चेकअप करते हैं, या फिर लगा हुआ है या फिर बंद एसी है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लगा हुआ तो भी आपको बंद है एसी है जो चल नहीं रहा अभी, ठीक है, लाइन देने पर चल नहीं रहा, अब वहाँ पर लाइन जा भी रहा नहीं जा रहा, कस्टमर को तो मालूम नहीं रहता है, तो चलिए यही सब चीज़ पर हम लोग अभी चेक करेंगे किस तरीके से हम लोग एक चेक करते हैं, और एक टेक्नीशियन जब पहुंचता है किस तरीके से उसको चेक किया जाता है, ये चीज़ प्रॉपरली हम लोगों को अभी सीखना है। तो उसमें सबसे पहला जो आपको चेक करना रहेगा, आप बटन को ऑन करेंगे, यानी कि पावर सप्लाई देने के बाद हम क्या करेंगे, बटन को ऑन करेंगे और क्या करना है उसके बाद कि आपको एक बार पहले रिमोट से ऑन ऑफ करके देख लेना और रिमोट को चेक करना है वो काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा, बहुत बार कहते थे डिस्प्ले सही से लगा हुआ नहीं रहता, बहुत बार कहते थे सेंसर जो लगा हुआ रहता है जो मेरा रिमोट और एसी के बीच कनेक्ट रहता है वो मेरा बहुत बड़ा डिस्प्ले में नहीं एसी के पीसीबी में भी लगा हुआ रहता वो सेंसर, अधिकतर मैं आपको 90% चांस है कि रहता आपको ये डिस्प्ले में ही लगा हुआ, तो ये चीज़ आप प्रॉपरली चेक कर लें एक बार रिमोट से, एक कोशिश करें हमेशा कि एसी आपको खोले नहीं, एसी लास्ट ऑप्शन होता है हमेशा, अपना एसी खोलने का लास्ट ऑप्शन, कोई भी चीज़ खोलने का लास्ट ऑप्शन होता है, उसमें क्या चेक करना पहले बाहर से अपना चेक कर लेना, तो बाहर से क्या यानी एक बार रिमोट चेक कर लेंगे ऑन ऑफ है या नहीं, उसके बाद क्या करेंगे रिमोट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी चेक कर लेंगे, दूसरा चीज़ हमको क्या करना है कि आपको पावर सप्लाई चेक कर लेना, आप पावर सप्लाई पहले भी चेक कर सकते हैं, उसमें कि पावर सप्लाई में क्या चेक करना, मेन जो बोर्ड से हम लाइन दे रहे हैं वो करंट वहाँ से निकल भी रहा है कि नहीं निकल रहा, या फिर वहाँ तक लाइन पहुँच भी रहा है नहीं पहुँच रहा, तो पहले क्या करेंगे 220 वोल्ट वहाँ पर एसी वोल्ट चेक कर लेंगे, और वोल्ट वहाँ पर आ रहा 220 वोल्ट एसी, तो वहाँ से जो पावर सप्लाई दे रहे हैं मल्टीमीटर से प्रॉपरली चेक करना आपको, और वहाँ जो हम पावर सप्लाई चेक करना है फिर पीसीबी पर जाता है, तो हम लोग क्या करना है उसके बाद हम क्या चेक करना है इनडोर पीसीबी चेक कर लेना, पीसीबी कैसे चेक किया जाता है, जो पीसीबी के यानी कि रिले के इनपुट पावर सप्लाई पर चेक करना है और एक नेगेटिव पॉइंट पर चेक करना है, यानी एन पावर और एल पावर पर, नेगेटिव पावर सप्लाई और पॉजिटिव पावर सप्लाई पीसीबी पे इनपुट सही जगह पर देना चाहिए, आप सही जगह पर यानी कि पीसीबी के इनपुट कौन सा सप्लाई रहेगा, रिले का जो 2 पॉइंट रहता है उसमें क्या करना है कि जो पिन दो पिन जैसे दिया हुआ उसमें एक पिन कोई कंटिन्यूटी देगा आपका फ्यूज के साथ, तो फ्यूज के साथ जो रिले का एक कोई पॉइंट कंटिन्यूटी दे रहा वो मेरा इनपुट हो गया और दूसरा नेगेटिव तो डायरेक्ट रहता, तो नेगेटिव और पॉजिटिव जब सप्लाई उसको इनपुट मिलेगा तो वो मेरा ऑन होना चाहिए, और सारा वायर सबसे पहले ये चेक करें हमेशा वहाँ पर अगर पीसीबी अगर इनपुट मिला और सारा वायर जैक डिस्प्ले का हर एक चीज़ का जैक सही तरीके से लगा हुआ है तो भी आपको सही तरीके से काम नहीं कर रहा डिस्प्ले ऑन नहीं हुआ तो इसका मतलब पीसीबी रिपेयर में जाएगा, अगर पीसीबी रिपेयर में जाएगा तो फिर आपको सही हो जाएगा, मैंने अब पीसीबी वहाँ पर इनपुट सप्लाई दिए पीसीबी भी अब ऑन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या चीज़ का वायर का कनेक्शन चेक करने की जरूरत है, हो सकता है लूज कनेक्शन हो डिस्प्ले लूज हो कुछ भी हो या फिर इनपुट पावर सप्लाई है वायर जला हुआ शॉर्ट हो कुछ भी हो, ये सब चीज़ का आपको चेक करने की जरूरत है, फिर वहाँ के आपको उसी वक्त आपको मालूम पड़ जाएगा एसी ऑन है या नहीं, या फिर आउटडोर चलेगा कि नहीं चलेगा इनडोर चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या चीज़ आपको हर चीज़ आपको मालूम पड़ जाएगा, तो पहले आपको पीसीबी ऑन करने की ज़रूरत है, तो इस तरीके से आपको कंप्लीट एसी आप चेक कर पाएंगे, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।